आज जो 18, 20 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने वो अखबार नहीं पढ़े हैं जिसकी हेडलाइन हुआ करती थी कि आज इतने लाख का घोटाला हो गया, आज इतने करोड़ का घोटाला हो गया, आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आज जो 18-20 साल के बच्चे हैं, उन्होंने ये पढ़ा नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि 10 साल 11 साल के पहले देश की हालत क्या थे। उसने एक नया हिंदुस्तान देखा है और इसलिए उसके सपने भी वहीं से शुरू हो जाते हैं और तब जाकर के हमारी जिम्मेवारी अनेक गुना बढ़ जाती है। क्या हमारा दायित्व नहीं है कि 18 से 25 साल की एक पूरी पीढ़ी को टारगेट करके, प्लान करके भारतीय जनता पार्टी से जोड़े, ताकि उनको भी पता चले कि उनके माता पिता ने कितने बुरे दिन देखे थे, उनके माता पिता कितनी मुसीबतों से गुजरते थे। एक टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए उनको एमएलए एमपी के घर में चक्कर काटने पड़ते थे, एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए उनको सालों तक इंतजार करना पड़ता था, कभी बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था, अंधेरे में जिंदगी गुजर जाती थी, बच्चों के लिए पढ़ाई का प्रबंध नहीं था। 18 से 25 साल के उन हमारे देश के बेटे बेटियों ने अपने मां बाप की मुसीबतों से गुजरते थे, जिंदगी जीते थे, उससे वो अनभिज्ञ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है कि उसे भारतीय जनता पार्टी में हमारा मेंबर बना करके, साथी बना करके, उसे हम कहां से कहां देश को ले गए हैं ये आत्मविश्वास से भरने की जरूरत है। साथियों, 18 से 25 का उम्र का व्यक्ति मेरे लिए भाजपा के मतदाता जैसे सीमित स्वार्थी विचार से मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। मेरे सामने 18-25 साल का उम्र का नौजवान, वो मेरे 2047 के सपने का सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत है। 2047 में मेरा देश विकसित भारत बनेगा। आज जो 18-20-22-25 साल का नौजवान है, वो उस समय 50 साल का हुआ होगा, उसकी जीवनी की सबसे ऊर्जावान समय देश विकसित भारत की यात्रा में होगा, उस समय उसकी जीवन की यात्रा चलती होगी। एक इतना बढ़िया संयोग होगा कि उसका सामर्थ्य हमें विकसित भारत बनाने के सपने पूरे करने में काम आएगा, और इसलिए विकसित भारत के सपने पूरे करने के लिए जिस सामर्थ्य की मुझे जरूरत है, वो 18 से 25 साल का मेरा नौजवान है, उसे हमने इस विचार से जोड़ना है, नेशन फर्स्ट के लिए जीने के लिए जोड़ना है।